जय माता दी, जय मां कामाख्या। मनुष्य जीवन का रहस्य, जीव की अनंत यात्रा, ये मनुष्य जीवन में अंदर जो आत्मा है इसकी यात्रा तब पूरी होती है जब वह मनुष्य देह धारण कर लेता है। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप आध्यात्म के रहस्य सुन रहे हैं। नर और नारी मिलाकर के आत्मा बनती है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। जीव की अनंत यात्रा जैसा कि मैंने कहा तब पूरी होती है जब वो मनुष्य शरीर धारण कर लेता है। और मनुष्य शरीर जो है, मानव शरीर को इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे मूल्यवान माना गया है। मनुष्य योनि जो है एक ऐसा स्थान है जहां से चार मार्ग निकलते हैं, चार रास्ते हैं। मैंने मनुष्य जीवन के जीवन में यदि वो समझ ले कि ये मेरा अंतिम पड़ाव है तो वह वापिस अपने इष्ट देवता में समाहित हो सकता है। और हर मनुष्य का उद्देश्य यही होना चाहिए क्योंकि यह उसकी अंतिम यात्रा होती है। एक मार्ग संसार की ओर जाता है, यानी कि भोग। भोग जो संसार होता है यह भोगने के लिए आता है। इसमें मनुष्य को सुख दुख अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं। ये भोगते हुए वह परमपिता परमात्मा में विलीन हो सकता है। और दूसरा मार्ग जो है स्वर्ग की ओर जाता है, वह चाहे तो स्वर्ग में भी जाकर के बैठ सकता है। और तीसरा मार्ग जो है नरक की ओर जाता है, और चौथा रास्ता जो है वह मोक्ष की ओर जाता है। यानी संसार, दूसरा स्वर्ग, तीसरा नरक और चौथा मोक्ष। आत्मा जो है मोक्ष की कामना लेकर के ही मानव शरीर स्वीकार करती है। यानी आत्मा को विश्राम लेना है यह मान करके ही वह जन्म लेती है। बहुत गुण रहस्य है, शायद समझ जाओगे तो इस जीवन को आप अनंत जीवन में न भटकाते हुए बस ये आखिरी जन्म मान करके चले। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संत, त्यागी, तपस्वी जो हुए हैं उन्होंने इसी रहस्य, इसी मर्म को समझा और सिर्फ एक बार वंश वृद्धि के लिए बच्चा उत्पन्न किया, उसके बाद पूरा जीवन उन्होंने ईश्वर आराधना में निकाल दिया क्योंकि वह भी पितृ ऋण होता है, उसे भी पूरा करना होता है। इसी प्रकार हमारे ऋषि मुनियों की जो पत्नियां हुई है वो भी इतनी ही तेजस्वी रही है और वह भी ईश्वर साधना में हमेशा लीन रही है। तो किसी स्त्री को ऐसा व्यक्ति मिल जाए, ऐसा पुरुष मिल जाए, ऐसे पुरुष को ऐसी स्त्री मिल जाए जो भोग विलास के बजाय अपनी मोक्ष की कामना से इस संसार में रहते हैं और वापिस अपने ही परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, उसे मोक्ष कहते हैं, यानी आत्मा का विश्राम कहते हैं। जब आत्मा जन्म लेती है तो पुरुष तत्व भी होता है और स्त्री तत्व भी होता है।
बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु का वर्णन करना यह भी अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि इसमें आत्माओं से वियोग होता है और वह वियोग यानी कष्ट, दुख, तकलीफ, परेशानी असहनीय होती है, चाहे स्त्री बने मनुष्य या पुरुष बने, चाहे स्त्री योनि में जाए या पुरुष योनि में जाए, उसे वियोग की पीड़ा और वेदना तो सहना ही सहना पड़ेगी, क्योंकि बार बार वो जन्म लेगा तो फिर मिलेगा और मृत्यु होगी तो फिर बिछड़ेगा, तब फिर कष्ट होगा, वियोग यानी कष्ट दुख। तो इस मनुष्य योनि को अंतिम विश्राम मानना चाहिए आत्मा का और परमात्मा में विलीन होना चाहिए। मानव योनि में ही आप मोक्ष संभव है, केवल मानव योनि में, चाहे कोई मनुष्य चाहे कोई आत्मा देव योनि में चला जाए, यक्ष योनि में चला जाए, गंधर्व योनि में चला जाए, किसी उच्च योनि में चला जाए, तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष की कल्पना केवल मनुष्य के लिए दी गई है और यही आत्मा का विश्राम है। यानी इसके बाद आत्मा को जन्म नहीं लेना, विश्राम का मतलब यह है परमपिता परमात्मा में विलीन होना। जय मां का माख्या, ये गुण रहस्य जो व्यक्ति समझ ले शायद उसकी जिंदगी परिवर्तन हो सकती है। जब भैरव भैरवी उपासना करते हैं या योनि पूजा जब पूजा में आती है या काम कला काली की पूजा की जाती है, तो इसमें यह ज्ञान जो है तांत्रिक शक्ति की पूजा का ज्ञान है। बहुत से मनुष्य इसको सबके सामने चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि यह गुप्त ज्ञान है और गुप्त ज्ञान होने की वजह से यह प्रसिद्ध नहीं हुआ है। गुरु से शिष्य को मिलता है, फिर वो शिष्य गुरु बनता है, वो फिर अपने शिष्य को देता है। इसीलिए भैरव भैरवी की उपासना या काम कला काली की उपासना या फिर योनि पूजा की उपासना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाई है। हमारे यहां पर मोक्ष की प्राप्ति के जो रास्ते बताए गए हैं उसमें वैदिक भी है, तांत्रिक भी है, यज्ञ के माध्यम से भी है, यंत्र पूजा के माध्यम से भी है और शक्तिपात के हिसाब से भी है। शिव महापुराण, ये जो श्रावण का महीना होता है इसमें शिव महापुराण पढ़ना चाहिए और समझना भी चाहिए। जो भी स्त्री या पुरुष इस सावन के महीने में शिव महापुराण पढ़ते हैं और समझते हैं, सबसे बड़ी बात तो शायद उनकी मुक्ति और मोक्ष संभव है। शिव महापुराण में लिखा हुआ है, शंकरः पुरुषाः सर्वे स्त्रियः सर्वा महेश्वरी। यानी कि शंकर पुरुष है अर्थात समस्त पुरुष, भगवान सदा शिव के अंश हैं और सभी स्त्रियां सर्वा महेश्वरी यानी समस्त स्त्रियां भगवती शिवा की अंशभूता हैं। यानी कोई मनुष्य कोई पुरुष यदि अपनी स्त्री पर हाथ उठाता है यानी कि उसने भगवती शिवा के ऊपर हाथ उठाया है ऐसा मानना चाहिए और उसी का फल उस पुरुष को प्राप्त होता है। और जितनी भी स्त्रियां हैं उन्हें अपने पति को हमेशा परमेश्वर मान करके उनकी सेवा करना चाहिए। स्त्री के द्वारा अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए, पति को गाली नहीं देना चाहिए, पति के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। बस ये अगर स्त्री समझ ले तो वह स्वर्ग है। तो ये शिव जी का शरीर जो है अर्ध नारीश्वर है, आधा पुरुष का है आधा स्त्री का है।
तो स्त्री को कभी भी अपने पति के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए और कभी भी पति को अपनी स्त्री के ऊपर हाथ उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक के अंदर शिव जी का अंश है तो दूसरे में भगवती का अंश है। और यही संपूर्ण चराचर इस सृष्टि की चला रहे हैं, चल रहे हैं। इस प्रकृति में तीन तत्व हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं और बीज हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ऋण है, धन है और बीज है। और ये तभी संपन्न होता है, यह तभी संभव भी होता है जब स्त्री पुरुष काम क्रिया करे, तब ही बीज की उत्पत्ति होगी और बीज से ही वृक्ष बनता है। और जब मनुष्य के जीवन में जब दो बात करते हैं, तीन बात करते हैं, या कोई भी ऐसी सेक्स से संबंधित बात करता है, युगल काम क्रिया से संबंधित बात करते हैं, तो व्यर्थ के तर्क वितर्क कुतर्क करने लगते हैं, जबकि यह शास्त्र की बात है। बहुत गहराई से समझना होगा कि जब स्त्री और पुरुष का काम क्रिया में मिलन होता है, सेक्स में मिलन होता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों से मिलकर के बच्चे की उत्पत्ति होती है। तो क्यों बात नहीं करते? इसीलिए शिव या शक्ति भी अकेले हैं तो पूर्ण ब्रह्म नहीं है। पुरुष के साथ में स्त्री का होना अत्यंत आवश्यक है और स्त्री के साथ में पुरुष का होना अत्यंत आवश्यक है। और स्त्री पुरुष दोनों के मिलने से ही पूर्ण ब्रह्मत्व प्राप्त कर वह स्त्री पुरुष का जोड़ा महाब्रह्मा में विलीन हो सकता है, जिसको हम मोक्ष की अवस्था कह सकते हैं। हम कई जगह देखते भी हैं कि विष्णु जी के साथ उनकी पत्नी लक्ष्मी, तब उन्हीं के पृथ्वी रूप में राम सीता व कृष्ण राधा या रुक्मणी है, क्योंकि ईश्वर को चतुर्थ धर्म का स्वयं पालन करते हुए समाज की चतुर्थ धर्म का ज्ञान देना होता है, प्रचारित करना पड़ता है, इसलिए उनको भी यह जोड़े के रूप में ही आना पड़ा। बहुत से आचार्य लोग विवाहित हैं या अविवाहित हैं, पर इसमें संदेह नहीं है कि उन्हें भी पूर्ण आत्मा स्वरूप होना ही पड़ता है। तंत्र मार्ग में भैरव और भैरवी स्वरूप बनकर उपासना का भी यही कारण है। इसलिए ये भैरव भैरवी की दीक्षा शिक्षा गुप्त है, यह केवल उन्हीं को ही बताई जाती है जो गुरु के सानिध्य में रहकर के गुरु से दीक्षित होते हैं और गुप्त विद्या होती है। इसलिए मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भगवान का स्मरण, प्रभु का स्मरण, तप करना, ये सब मोक्ष के ही रास्ते हैं। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा, विस्मय, निर्वेद, संतान का प्रेम और समर्पण, ये काम सृष्टि का प्रादुर्भाव एवं लिंग का चयन हुआ, क्योंकि 11-11 स्त्री पुरुष के भाव सभी जीवों में समाहित है। हर जीव में ये 11 भाव होते ही होते हैं, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो। जैसे कि बताया मैंने कि स्त्री पुरुष में रति भी होती है, हास्य भी होता है, शोक भी होता है, क्रोध भी होता है, उत्साह भी होता है, एक तरीके का भय भी होता है, कभी कभी घृणा भी हो जाती है, विस्मय हो जाते हैं, निर्वेद हो जाते हैं, संतान का प्रेम हो जाता है और फिर समर्पण भाव भी हो जाता है। तो ये 11-11 भाव जो है नर नारी भाव में समाहित होने से सृष्टि की रचना हुई है। तो
तो मनुष्य को श्रावण के महीने में महादेव के अर्ध नारीश्वर स्वरूप का पूजन अर्चन जप तप करना चाहिए, जिससे दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, धान्य प्राप्त होता है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। अर्ध नारीश्वर स्वरूप की कृपा से दाम्पत्य जीवन एवं भैरवी उपासना सहित यदि उपासना करता है तो तंत्र उपासना सफल होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। बहुत गुण रहस्य है। यदि किसी मनुष्य को भैरव भैरवी उपासना से संबंधित अपने दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि शांति चाहिए तो वह देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। उसको यह गुप्त ज्ञान विशेष विधान के अंतर्गत विशेष प्रक्रिया के माध्यम से दिया जा सकता है, कुछ शर्तों के अधीन। जो भी व्यक्ति अपना मोक्ष चाहता है उसे भैरव भैरवी उपासना करने से शाक्त प्रथा के अंतर्गत यह क्रिया संपन्न कराई जा सकती है। काम, क्रोध और लोभ ये तीन जो है मनुष्य का पतन करते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।